हेलो दोस्तों, अभी आज मैं फिर से एक नई केस लेके आया हूँ। एंड ये केस जो है वो है ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के बारे में। अब ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ कोई ऐसी नई बीमारी नहीं है, राइट? मतलब मैं आपको कुछ समझा के बताऊंगा नहीं इस बारे में कि ये बीमारी क्या होती है, कैसे होती है, बिकॉज डायबिटीज़ तो सब जगह है ना। मतलब एक समय था जब सर्दी खांसी जितने मात्रा में होती थी, आज उतनी ही मात्रा में डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है। अभी सर्दी खांसी कम होती है, डायबिटीज ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो अब मैं आपको कुछ एक स्पेशल एक केस के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ जो डायबिटीज के बारे में है और ब्लड प्रेशर के बारे में। अच्छा, अभिजीत जी आ गए। नमस्कार अभिजीत, हाउ आर यू? तो ये डायबिटीज की केस है। एंड डायबिटीज, ये पेशेंट की एज थी करीबन 62 ईयर्स, राइट? डायबिटीज काफी, जैसे किसी ना, हेवी डायबिटीज, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एंड अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। सो इनकी हिस्ट्री थी कि मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो डॉक्टर को गोली बढ़ानी ही पड़ती है जनरली ब्लड प्रेशर की, बिकॉज ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही रहता है, कम हो ही नहीं रहा। तो शुरू में मेरी डायबिटीज़ की एक गोली थी और ब्लड प्रेशर की एक गोली थी, लेकिन आज मेरी डायबिटीज की 3 गोलियां हैं, ब्लड प्रेशर की 4 गोलियां हैं, और डायबिटीज भी कंट्रोल में नहीं है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में नहीं है। और जो डॉक्टर्स है वो सोच के परेशान है कि क्या करना है। गोलियां बढ़ा रहे लेकिन गोलियां बढ़ाने का फायदा नहीं दिखता है। 15 दिन बाद जब मैं वापस जाती हूँ फिर से गोली बढ़ती है, बिकॉज दोनों चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। तो डॉक्टर भी सोच रहे कि एग्जैक्टली और क्या करना चाहिए। तो बोले, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या आप कुछ कर सकते हैं इसके लिए? अब मैंने सोचा कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा, गोली बढ़ती जा रही, ब्लड शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा, गोलियां बढ़ती जा रही, बोला इसका रीज़न क्या है? तो वो कहते हैं, सर रीज़न कुछ नहीं है, रूटीन लाइफ जैसे वैसे चल रही है, सिर्फ बस गोलियां बढ़ती जा रही है। तो मतलब ऐसे नहीं होता, अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो कुछ रीज़न होगा, राइट? तो अगर बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा तो रीज़न होगा, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा तो रीज़न होगा। बोले, सर एक्चुअली डॉक्टर पता नहीं टैबलेट्स क्या दे रहे, मतलब ये कट कर दो। डॉक्टर्स टैबलेट सभी को उनका जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से देते हैं और उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। जनरली हम जनरली ये सोचते हैं कि अगर कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो शायद डॉक्टर ने गोली बराबर नहीं दी होगी, है ना? जैसे हम सपोज किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हैं, बीपी कंट्रोल नहीं है, तो हम तुरंत सोचते हैं स्पेशलिस्ट चेंज कर दो, देखते हैं कि दूसरे डॉक्टर के पास कंट्रोल होता है क्या, राइट? सोचते ना ऐसा। लेकिन मैंने कहा कि ये सोचना बंद कर दो, मुझे ये बताओ आपके रूटीन लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के लिए मजबूर कर रही है? आपके रूटीन लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके ब्लड शुगर को बढ़ाने में मदद कर रही है? बोले, सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। मैंने, देखिए आप अगर मुझसे इलाज करेंगे तो मैं इसका जवाब तो ज़रूर मांगूंगा आपसे। तो बोले, हाँ सर आपको जो करना है कीजिए, मैं कोशिश करूँगी, मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर हमने उनकी केस टेकिंग स्टार्ट किए। बहुत रेयरली होता था, काफ़ी पहले की केस है, बहुत रेयरली होता था कि केस मैं लूँ। जनरली मेरे पास केस टेकिंग के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर्स है, उस समय कोई नहीं था और लेडी बहुत परेशान थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ले लेता हूँ। सो आई स्टार्टेड ए केस, राइट? लेकिन मैंने आगे क्या वो बताने के पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर कंट्रोल अगर नहीं हो रहा है तो डॉक्टर अकेले जिम्मेदार है, डायबिटोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट? या ऐसा हो सकता है कि कुछ हद तक आपके सरकमस्टांसेस पे जिम्मेदार हो, कुछ हद तक आपके अपने पर्सनल प्रॉब्लम में जिम्मेदार हो, कुछ हद तक आपका माइंड भी जिम्मेदार हो? क्या ऐसे हो सकता है? जस्ट एक सोचने के लिए, तो आप सोच के बताइए कि ऐसा हो सकता है। मिस्टर जय सिंह, यू आर रॉकिंग अगेन, अ पिल कैन इंक्रीज इल, आई लव इट, ग्रेट। तो अगर ऐसा हो रहा है कि कोई भी दवा रिजल्ट नहीं दे रही है तो हम सिर्फ एक फैक्टर देखते हैं कि शायद डॉक्टर दवा बराबर नहीं दे रहे हैं, राइट? लेकिन इसके अलावा भी काफी फैक्टर्स होते हैं।
तीन फैक्टर्स होते हैं जनरली जिससे रिजल्ट मिलता है, एक डॉक्टर, एक मेडिसिन और तीसरे आप स्वयं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर है। तो जब हमने पूछा कि और क्या रीजन है, नहीं पता चला, बोला कुछ टेंशन से क्या, नहीं पता चला। देन फिर हमने और डीप जाने की कोशिश की, मतलब हमने नहीं, मैं अकेले ले रहा था उस समय, सो मैंने और डीप जाने की कोशिश की और कोई फैक्टर्स नहीं मिले। फिर मैंने सीधा सीधा कंप्लीट केस ली शुरू से आखिरी तक। हम नाम से जैसे पूछते हैं, नेम से काफ़ी पेशेंट हमें पूछते हैं, जैसे आज की बात है, एक पेशेंट ने बोला मेरे कंसल्टेंट डॉक्टर से, वैसे भी आप क्या पूछते हैं, बचपन का पूछ के भी फ़ायदा क्या है। तो यहाँ मैं आंसर देना चाहूँगा उसका, बचपन का और आपका बेसिक स्वभाव बताता है कि आपकी जेनेटिक बनावट कैसी है, आपकी अंदरूनी शारीरिक बनावट और आपकी अंदरूनी मानसिक बनावट, आपकी अंदरूनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बनावट, ये तीन बनावट कैसे है, इसी पे तो सारा कुछ निर्भर है कि आप कैसे रहेंगे, आपको बीमारी कौन सी होंगी और कौन सी बीमारी आपकी ठीक होगी, कौन सी ठीक नहीं होगी, राइट। इसीलिए ये स्टडी करना ज़रूरी है। मैक्सिमम लोगों को पता है कि अगर कोई बीमारी आई है वो अंदर से आई है, ना कि बाहर से, राइट। तो अंदर से आई है तो हमारे अंदर के कुछ फैक्टर्स है जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो फिर इसके बाद जैसे मैंने कहा कि तीन फैक्टर जरूरी है कोई भी केस में रिजल्ट के लिए, डॉक्टर, मेडिसिन एंड पेशेंट। जनरली एलोपैथिक मेडिसिन में तो ऐसा होता है कि प्रोटोकॉल है, फिक्स्ड है, तो उसमें आप ऐसा मत सोचिए कि डॉक्टर जबरदस्ती गलती से दवा दे रहा है, ऐसा नहीं होता। उनके पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उस पैरामीटर्स से दवा देनी जरूरी है और जनरली इस पैरामीटर के जबरदस्ती कोई बाहर जाके दवा नहीं देता कि नहीं जबरदस्ती गलत ही इलाज करना है, ऐसा सोचने वाला डॉक्टर नहीं देखा मैंने। सो प्लीज ये फैक्टर्स निकाल दीजिए दिमाग से। तो जब हमने केस चेकिंग ली, पूरे केस चेकिंग में मैंने देखा कि उनके घर में उनके जो हस्बैंड है वो पैरालाइज्ड है, स्टिल अल्कोहल लेते हैं, डबल फैक्टर्स है स्ट्रेस का और वो इनका कॉन्स्टेंट स्ट्रेस है। बट वो बता इसलिए नहीं पा रहे थे बिकॉज उनको लगा ये तो रोज का ही है, राइट। ये रोज का ही इसलिए तो पिछले 2-3 साल से ऐसे ही चल रहा है। तो मैंने पूछा कि आपकी बीमारी बड़ी कब से, बोले से पिछले 1-2 साल से। तो मतलब मैच तो कर रहा है। फिर और डीप प्रोब किया तो पता चला कि उनके हस्बैंड ही इज वेरी एरोगेंट, बहुत गुस्सेल, बहुत चिड़चिड़े, कुछ भी नहीं सुनते हैं, शराब चाहिए मतलब चाहिए, पैरालिसिस है, टोबैको चीवर है और ये पेशेंट टेंशन में, कब क्या हो जाएगा। ये कॉन्स्टेंट टेंशन ये पेशेंट के सर पे। अब अगर ये पेशेंट के सर पे कॉन्स्टेंट टेंशन है, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत सिंपल है, मज़ेदार भी है। अगर ये पेशेंट के सर पे कॉन्स्टेंट टेंशन है तो आपको क्या लगता है, इनका बीपी और शुगर कंट्रोल में आएगा या नहीं आएगा? चलो सवाल मैं और एक पूछता हूँ दूसरी तरफ से। अगर पेशेंट के माइंड पे कंटिन्यू टेंशन है तो ये पेशेंट का ब्लड प्रेशर और डायबिटीज कंट्रोल में आएगा या नहीं आएगा? एंड जवाब बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से आप सबको भी यही जवाब आएगा कि अगर टेंशन रहा तो बीपी तो बढ़ता है, सबको पता है, शुगर बढ़ता है, सबको पता है, और टेंशन तो कॉन्स्टेंट है, राइट। तो ये टेंशन कॉन्स्टेंट है और ये रीज़न था कि बीपी शुगर कम नहीं हो रहा था। और उनके जो डॉक्टर बहुत ही बढ़िया डॉक्टर थे जिनके पास जाते थे, मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, ये केस मैंने पिछले एक वीडियो में भी थोड़ा डिस्कस किया था, राइट। तो मुझे याद है मैंने बताया था डॉक्टर के बारे में, ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर। बट अगर हम गुड डॉक्टर बोलते तो एक प्रॉब्लम और आता है कि उनके पास टाइम नहीं है। तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, बहुत क्वालिफाइड है, लेकिन उनके पास समय नहीं है पेशेंट से बात करने के लिए। बीपी देखते हैं, शुगर देखते हैं, डोज बढ़ा देते हैं, बीपी देखते हैं, शुगर देखते हैं, डोज बढ़ा देते हैं, ज़्यादा टेंशन लगा तो एक नींद की गोली देते हैं, लेकिन नींद की गोली या स्ट्रेस कम करने की गोली कोई सोल्यूशन नहीं है। तो मैंने जब ये हिस्ट्री ली, मुझे जब पता चला, मैंने कहा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, तो वो सरप्राइज हो गया, बोला ऐसे कैसे सॉल्व होगा सर, मैं इतने दिन से जा रही हूँ और आप खुद कहते कि वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मैंने डॉक्टर बेहतरीन है, उन्होंने जो मेडिसिन दी बहुत बढ़िया दी,
लेकिन कुछ फैक्टर्स है जो नज़रअंदाज हो गए हैं, राइट, उन पे अगर ध्यान देंगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मैंने पूछा कि आप कब जा रहे हैं उनके पास, तो बोले मैं कल ही जा रही हूँ, कल ही ड्यू है। तो मैंने कहा कल आपका ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर पहले से बेहतर रहेगा, प्रॉब्लम ज़्यादा तो ब्लड प्रेशर का था क्योंकि हर बार गोली बढ़ रही थी। बोला कल आपका बेहतर रहेगा, और पेशेंट हंसने लगी, रिलेटिव भी हंसने लगे, बिकॉज एक तो उनको ट्रस्ट नहीं था, उनको किसी ने रेफर किया था इसलिए आए थे, और जब वो 3 साल से दवा ले रहे कुछ हो नहीं रहा, और मैं बोल रहा हूँ एज ए होम्योपैथ एक दिन में फ़र्क आएगा, तो बोल रहे थे उनके शायद दिमाग में चल रहा होगा कि ये होम्योपैथ शायद एक तो पागल हो गया है, एक तो ये होम्योपैथ पागल हो गया या झूठ बोल रहा है ना, ऐसा काफ़ी बार डाउट आता है मन में। लेकिन मैं बहुत सीरियस था, मैंने तो पूरे कॉन्फिडेंस से बोला था कि चेंज आएगा, राइट। तो नेक्स्ट डे, चलो नेक्स्ट डे पहले मैं बोल दूँ मैंने मुझे क्यों कॉन्फिडेंस था। सबसे पहले मुझे कारण मिल गया था, स्ट्रेस। अब आप कहेंगे सर स्ट्रेस को हटाए कैसे, राइट, ये स्ट्रेस को हटाए कैसे, बिकॉज वो तो हस्बैंड है, उनको पैरालिसिस है, वो ड्रिंक्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, सब लेते हैं, स्ट्रेस तो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अगर अब ये स्ट्रेस अगर कॉन्स्टेंट है तो ये कॉन्स्टेंट स्ट्रेस को रिमूव कैसे करना, काउंसलिंग से हो जाएगा। चलो मैं पेशेंट कुछ समझा दूं कि नहीं टेंशन नहीं लेना वगैरह वगैरह, तो हो जाएगा। यस मिस्टर पंकज, द अदर डॉक्टर इज फोकसिंग ऑन अफेक्ट रादर देन कॉज, परफेक्टली सेड मिस्टर पंकज, थैंक यू। तो इसमें क्या करना चाहिए, हस्बैंड तो वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं होने वाले, और अगर हस्बैंड वैसे है तो टेंशन तो आएगा। मैंने जब समझाने की कोशिश की मुझे यही जवाब मिला कि सर अभी घर में प्रॉब्लम है तो टेंशन तो आने ही वाला है। मैंने कहा प्रॉब्लम अगर 10 साल रहा तो 10 साल टेंशन लेंगे। बोले सर अब सर टेंशन रहेगा तो टेंशन तो आएगा ही। मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया, मैंने कहा चलो मैं एक जोक सुनाता हूँ आपको, बड़ा मस्त सा जोक सुनाता हूँ, वो एक मैं जोक सुनाऊंगा तो बहुत अच्छा जोक है, क्वालिटी हाई क्वालिटी जोक है, आपको हंसी आएगी। बोले सर अच्छा जोक है ज़रूर हंसी आएगी। मतलब कल फिर वही जोक सुनाऊंगा मैं आपको, फिर हंसी आएगी। बोले हाँ सर अच्छा जोक है तो ज़रूर आएगी। मतलब परसों फिर से सुनाऊंगा वही जोक, क्या आपको हंसी आएगी? बोले हाँ सर जरूर हंसी आएगी। मतलब अगर मैंने यही जोक आपको 1 साल सुनाया तो? बोले सर क्या बात है, मजाक करते हैं आप, अगर 1 साल सुनाएंगे तो किसको हंसी आएगी? मतलब 1 महीना सुनो तो? बोले सर फिर भी नहीं आएगी, 2-4 दिन आएगी उसके बाद हंसी नहीं आएगी, कम कम होती जाएगी। तो मैंने कहा एक जोक पर आप 3-4 दिन से ऊपर हंस नहीं सकते, तो एक जो टेंशन है जो रोज चल रहा है उस पर कितना दिन टेंशन लेंगे, कितना दिन रोएंगे? एकदम से उसकी आंखें खुल गई। बोले सर बात तो सही है, मतलब एक जोक पे हम बार बार हंसते नहीं है, तो एक ही टेंशन पे बार बार टेंशन क्या लेना। दिस मेड अ शिफ्ट, मतलब यहां पर एक चेंज आ गया छोटा सा। मैंने टाइम स्पेंड किया, इट वॉज शायद 3.5 घंटा, कितना केस टेकिंग में 2.5 घंटा 3 घंटा कुछ लगा, उसके बाद ये डिस्कशन निकाला मैंने। मैंने उसे एक जर्नी में लेके गया कि अगर एक ही जोक बार बार हंसाएगा नहीं तो एक ही दुख बार बार रुलाएगा क्यों, सोच के देखिए। शी अंडरस्टूड, अचानक से उनके माइंड में एक चेंज आया। कितने लोग एग्री करते हैं कि ये सुनने के बाद अगर वो रियली बिलीव करते हैं तो उनके माइंड में एक छोटा सा चेंज आएगा, कितने लोग बिलीव करते हैं? कम ऑन आंसर। हेलो नीलिमा, हेलो निकिता, गुड इवनिंग। कितने लोगों को लगता है कि मैंने ये जब एग्जाम्पल दिया और वो अगर पेशेंट के सही समय पर दिया गया, समझ में आ गया, तो पेशेंट का माइंड शिफ्ट होगा, राइट? 1. दूसरा, होम्योपैथी इज एन अमेजिंग साइंस। अगर आप सही मेडिसिन चुन के निकालो तो आपका जो माइंड है वो अंदर से शिफ्ट होने लगता है अपने आप, राइट? अंदर से शिफ्ट होने लगता है। जब मैंने पढ़ा जेनेटिक रीप्रोग्रामिंग और माइंड रीप्रोग्रामिंग, तब मुझे समझ में आया कि होम्योपैथिक मेडिसिन भी माइंड को एक तरह से रीप्रोग्राम कर देती है। आपका एटीट्यूड चेंज होता है, आपका बिहेवियर चेंज होता है, आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होता है, आपके थॉट्स चेंज होते हैं, आपका अप्रोच चेंज होता है, आपकी सोच बदल जाती है, हर चीज बदल जाती है माइंड की। मतलब माइंड रीप्रोग्राम हो जाता है और इसमें मेडिसिन का बहुत बड़ा हाथ है, राइट? क्यों नहीं वही मेडिसिन करना चाहिए? तो मैंने एक तो काउंसलिंग की,
राइट, दूसरा थोड़े से टिप्स दिए, तीसरा मेडिसिन ढूंढ के निकली जो उनके माइंड को रीप्रोग्राम कर सके, और अगर माइंड के साथ साथ अगर मेडिसिन डीप इनफ है, इट कैन रीप्रोग्राम अप टू द जीन्स। यहां जेनेटिक रीप्रोग्राम की बहुत जरूरत नहीं थी, बट मेडिसिन में ये काबिलियत है, राइट। सो मैंने मेडिसिन दी एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। उन्होंने दो तीन इंस्ट्रक्शन दिए कि आप हेलो या तो मैंने उनके दो तीन चीजें बताई कि आपको कल से अच्छा लगने लगेगा, और जब कल आप आपके डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका बीपी और शुगर दोनों पहले से बेहतर रहेगा। टाइम कितना टोटल हमारे पास टाइम था, आज अभी मैंने 5 बजे मेरे पास से पेशेंट गया और वहां जाएगा सुबह 10 बजे, तो 5, 5, 12 and 10, 15, 17 hours का टाइम था सिर्फ। पेशेंट ने कहा कि आप सर आप सही बोल रहे हैं, मैंने हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, और पेशेंट उनके पास पहुंचा नेक्स्ट डे, एंड टू द सरप्राइज डॉक्टर ने कहा आज आपका बीपी पहली बार अच्छा है, और मुझे लगता है कि आज मैं गोली कम कर सकता हूँ, नहीं तो गोली बीपी और कम हो जाएगा आपका। डॉक्टर ने एक गोली कम कर दी, शुगर की गोली बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, शुगर भी बेहतर था, गोली कम नहीं हुई, बीपी की गोली कम हुई। अब मुझे बताइए दोस्तों इसमें एग्जैक्टली क्या किया। जैसे कि मुझे अभी ऊपर एक कमेंट मिला है कि पंकज छाबरिया जी ने बोला कि जो डॉक्टर्स के पास वो जा रहे थे ही वॉज वेरी गुड, बट वो इफेक्ट पे फोकस कर रहे थे, मेरे पास जब आए मैंने कॉज पे फोकस किया, कॉज के अनुरूप इलाज किया, कॉज के अनुरूप काउंसिलिंग की, कॉज के अनुरूप मेडिसिन ढूंढा, और इसी तरह के माइंड रीप्रोग्रामिंग काउंसिलिंग इंस्ट्रक्शंस और मेडिसिन तीनों ने मिलके कॉज पे काम किया। नेक्स्ट डे पेशेंट के चेहरे पे स्माइल थी, इनफैक्ट उसी दिन पेशेंट काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था कि सर बात तो सही है, मैं इनका टेंशन कितने दिन लूँगी, ये शराब तो छोड़ने वाला है नहीं, तंबाकू छोड़ने वाला है नहीं, पैरालिसिस इनका इंप्रूव होगा नहीं, जब ये तीनों चीज़ें होने ही वाली नहीं है तो मैं टेंशन कब तक लूँ। पेशेंट रिलैक्स, पेशेंट टेंशन छोड़ दिया। तो मैं यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि अगर कोई बीमारी है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है, अगर कोई बीमारी है तो कॉज है, और कॉज है तो आप कॉज को ढूंढिए ना। कोई भी बीमारी हो, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, कैंसर हो, कोई भी बीमारी हो, राइट, कॉज को ढूंढिए। यस डॉक्टर श्वेता, इट इज रूट कॉज एनालिसिस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रूट कॉज पे अगर वर्क करेंगे तो मेडिसिन कम होती है, रूट कॉज पे मेडिसिन देंगे तो जो रोजमर्रा की दवाइयां है जिसके साइड इफेक्ट से आपके लीवर और किडनी खराब हो सकते हैं वो मेडिसिन कम होगी। ये मेरा सब्जेक्ट है जो मैं नेक्स्ट बुक जो लिख रहा हूँ, मेरी अपकमिंग बुक है मेडिसिन कैन किल आर यू सेफ, राइट। तो ये जो मेडिसिन है, ये जो बुक लिख रहा हूँ मैं, इसी के लिख रहा हूँ कि अगर मेडिसिन के भरोसे है आप तो आपकी लाइफ खतरे में है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर गलत है, ऐसा नहीं कि मेडिसिन गलत है, लेकिन ये जरूर कहूंगा मैं कि वो टेम्पररी इलाज है, उसे परमानेंट मत बनाइए। टेम्पररी इलाज है ना कि आज बीपी ज्यादा है कम करो, आज शुगर ज्यादा है कम करो, इस टेम्पररी इलाज को अगर आपने परमानेंट बना दिया तो यही मेडिसिन आपके लिए हानिकारक रहेगी, यही मेडिसिन आपके लीवर और किडनीज और बाकी ऑर्गन्स को डैमेज करेगी, बिकॉज ये निरंतर कई सालों से प्रूव होता आया है। इसलिए मैं फेसबुक लाइव जाता हूँ, इसलिए मैं रोज मेल्स भेजता हूँ ताकि आप सभी को इसका फायदा मिले। आपको ये समझ में आए कि डायबिटीज में गोली खाना ही इलाज नहीं है, डायबिटीज में शुगर कम करने की गोली खाना मात्र टेम्पररी कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर में बीपी कम होने की गोली खाना मात्र टेम्पररी कंट्रोल है, लेकिन संपूर्ण इलाज नहीं है। इसका संपूर्ण इलाज होता है रूट कॉज एनालिसिस, अंदर तक जाइए, कॉज ढूंढिए, गहराई में देखिए क्या कॉज मिलता है, उस कॉज के अनुसार इलाज कीजिए। यही मैसेज स्प्रेड करने के लिए मैं वेबिनार्स और सेमिनार लेते रहता हूँ। अभी हमने नागपुर में सेमिनार लिया, कल ही सेमिनार था, इट वॉज फैंटास्टिक, बहुत ही मज़ेदार सेमिनार था, मतलब इतना अच्छा सेमिनार हुआ कि पार्टिसिपेंट्स ने बहुत एंजॉय किया।
नागपुर में मैं कम सिग्नल लेता था पहले, बिकॉज हमने मुंबई, पुणे, हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर यहाँ पे वर्क ज़्यादा किया है प्रीमियम लेवल पे। लेकिन अभी हमने एक मॉडल चेंज किया है, बहुत ही स्पेशल मॉडल है उन सभी के लिए जो स्वास्थ्य में एक बड़ा बदलाव चाहते हैं। तो जो भी नागपुर के लोग हैं और मुंबई में भी है, मतलब ये 2 महीने में नागपुर और मुंबई पे फोकस कर रहे हैं, सो जिन्हें भी नागपुर में सेमिनार अटेंड करना है आप ये वीडियो उन तक फॉरवर्ड कर सकते हैं। बिकॉज हम लोग सिर्फ मेडिसिन पे फोकस नहीं कर रहे, हम रिपोर्ट्स पे फोकस नहीं करते हैं, हम फोकस एक ही चीज़ पे करते हैं और वो एक ही चीज़ है सबसे महत्वपूर्ण, आप। यस, बीमारी आपके अंदर से आई है, उसको ठीक करना है आपके अंदर में हमें झांकना होगा, आपके कॉज जो है अंदरूनी कॉज है उसको ढूंढ के निकालना होगा, उस अंदरूनी कॉज चाहे माइंड में हो या जीन्स में हो उसको रीप्रोग्राम करना होगा। और यही रीप्रोग्राम करने के लिए हम कुछ बेहतरीन सिग्नल्स लेके आए हैं और अभी नागपुर में 4 तारीख सैटरडे एंड 5 तारीख संडे एक सेमिनार रखा है। और दोस्तों याद रखिए संडे को फ्रेंडशिप डे है, तो मैं चाहता हूँ कि फ्रेंडशिप डे मेरे सारे उन हेल्थ लविंग फ्रेंड्स के साथ मनाओ जिनको अपने हेल्थ में बड़ा बदलाव लाना है, राइट। तो इसलिए ये जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशंस पे सेमिनार होने वाला है 5 तारीख को नागपुर में। जिन्हें भी इस सेमिनार में आना है या इंटरेस्ट है, ये पूरी तरह फ्री सेमिनार है, ये पूरी तरह फ्री सेमिनार है, इसमें कोई भी चीज़ खरीदना ज़रूरी नहीं है, इसमें 1 पैसे का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ आपके 3 घंटे चाहिए आपकी लाइफ को बदलने का तरीका डिस्कस करने के लिए, आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने के लिए। ये 3 घंटे का फ्री सेमिनार आपके लिए समर्पित है, अगर आप आना चाहते हैं ज़रूर आइए। आप आसपास के शहरों में हैं आपने ज़रूर अटेंड करना चाहिए, आप नागपुर में हैं आपने ज़रूर अटेंड करना चाहिए, और अगर आप नागपुर में नहीं है तो आप आपकी सिटी कमेंट में लिख दीजिए, नागपुर में है तो नागपुर लिख दीजिए, मैं लिंक पोस्ट करूँगा। अगर आप अभी इसके बाद जब मैसेज देखेंगे आपको एक लिंक मिलेगी नागपुर की, तो उसमें आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप नागपुर के बाहर के हैं आप अपनी सिटी मेंशन कर दीजिए, उस हिसाब से आपको मैसेजेस आएंगे, राइट। तो अब जब भी मेरा इवेंट रहेगा मैं लाइव में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग काफ़ी डाउट्स होते हैं, तो इस तरह के सेमिनार से आपके डाउट्स क्लियर होते हैं और आपको एक्चुअली देखने मिलेगा हम क्या करते हैं, हम कैसे करते हैं, राइट। इसके बाद के प्रोग्राम्स करना है नहीं करना आपका चॉइस होता है, लेकिन ये फ्री सेमिनार बिल्कुल मिस मत कीजिए, ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा। सो ऊपर या नीचे लिंक दी रहेगी, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, मुझसे ज़रूर मिलने आइए, मैं पर्सनली आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर हूँ। सो बहुत अच्छा होगा अगर हम आमने सामने मिलकर ये सब बातें करेंगे, राइट। सो थैंक यू गाइज, मैं कुछ कमेंट पढ़ लूँ, कुछ रिप्लाई होगा तो अभी दे देता हूँ मैं, जस्ट एक मिनट। जय सिंह से सर कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़, जय सिंह जी आपको कॉन्टैक्ट नंबर में मैसेज करता हूँ, इसी पे आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। या ये डॉक्टर जय सिंह जी, डॉक्टर श्वेता इज इंटरेक्टिंग विथ यू, शी इज़ वन ऑफ द मेन मेंबर ऑफ माई टीम, सो यू कैन इंटरेक्ट विथ हर, शी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। मिस्टर सुरेश सर आई विल मीट यू व्हेन यू आर प्रेजेंट इन पुणे। सुरेश जी पुणे से तो अभी नेक्स्ट प्रीवियस वीक में पुणे में था, लास्ट वीक मतलब एक हफ्ता पहले पुणे में था, तो अभी मैं तुरंत पुणे में नहीं आऊँगा। तो आप एक काम कीजिए, वहाँ श्वेता मैडम उनसे बात कर लीजिए, एक नंबर देता हूँ या वो मैडम नंबर देंगे आपको, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, राइट। आई एम नाउ एट मेहसाना पुणे। जय सिंह जी आप भी पुणे में हैं, पुणे में मैं जल्दी ही सेमिनार प्लान करने वाला, आज हमने डिस्कस किया पुणे का सेमिनार कुछ अंदाजन 1 से 1.5 महीने के बाद रहेगा, राइट। सो विल बी देयर बहुत, और मैं ज़रूर वेबिनार पे बताऊंगा, ये लाइव में बताऊंगा आपको, हम वहाँ ज़रूर मिलेंगे। कवलजीत कौर जी हेलो, बबीता नंद कर हाँ भिलाई से, बबीता जी भिलाई वालों को तो हम नागपुर में बुला रहे हैं, बहुत नज़दीक है, आप ज़रूर आइएगा, कोशिश कीजिएगा कि पूरे फैमिली को लेके आए, जितने भी आपके डिसीजन मेकर सब लेके आइए। बिकॉज मैं आपको बता दूँ जो हम कंसेप्ट बताते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का, उसमें हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस तीनों चीज़ें इंक्लूडेड है, तो चाहे किसी को बीमारी हो या ना हो ये सेमिनार जरूर अटेंड करना चाहिए, राइट।
मिस्टर पदम सिंह कनाड़िया ज्वाइन किया। सो तो मैं रजिस्ट्रेशन लिंक दूंगा, आप उस लिंक में क्लिक करके रजिस्टर कीजिए नागपुर सेमिनार के लिए। मैं आपको नागपुर सेमिनार डेट बता दूँ, एक तो 4 तारीख है सैटरडे शाम को 5 से 8 बजे, 5 तारीख फ्रेंडशिप डे सुबह है 10 से 1 बजे, देन मुंबई सेमिनार है 2 सितंबर, मुंबई सेमिनार 2 सितंबर है और 9 सितंबर है। तो ये दोनों सेमिनार फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, विथ नो कंपल्शन फॉर एनीथिंग टू बाय, राइट। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन लाइव। माई टीम विल बी रेस्पॉन्डिंग टू यू, यूर लकीली डॉक्टर श्वेता इज देयर, शी विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स और शी विल रिप्लाई टू ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी मैं लिंक दूंगा, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और कल हम एक और बहुत अच्छा टॉपिक लेके 9 बजे फिर मिलेंगे फेसबुक पर, राइट। सो बी ऑन द फेसबुक एंड जब भी पॉसिबल है सेमिनार में जरूर आइएगा। धन्यवाद।